हाँ तो दोस्तों, ग्लोबल स्पिरिट के क्वार्टर वन के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको ग्लोबल स्पिरिट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू का नंबर 4% से बड़ा है और ये नंबर आया है 684 करोड़ पे। तो इन भी अगर हम देखेंगे तो एक नॉर्मल फ्लैटिश काइंड ऑफ ग्रोथ हमें क्वार्टरली बेसिस पे देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 22% से कम हुआ है और ये नंबर आया है 37 करोड़ पे। तो नेट प्रॉफिट के ऊपर यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो मटेरियल की कॉस्ट है, वो यहाँ पे बड़ी है, तो उसी की वजह से ये नंबर हमें नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 24% से बड़ा है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 32% से गिरा है और ये नंबर आया है 37 करोड़ पे। तो देखिए, चाहे यहाँ पे सिक्वेंशियल बेसिस हो, चाहे यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस हो, दोनों ही बेसिस पे कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे नेगेटिव नजर आते हैं। तो इन अभी देखा जाए तो इतने नंबर्स अच्छे हमें यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए, तो देखिए इन वे अगर आप देखोगे ग्लोबल स्पिरिट्स ने रिटर्न्स वगैरह काफी अच्छे दिए, लेकिन देखा जाए तो अभी रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हमें नजर नहीं आ रही है। लेकिन अभी जो जनरली जो ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह बढ़ी है, उसके अलावा अगर आप देखोगे जो मटेरियल की कॉस्ट वगैरह बढ़ी है, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट यहाँ पे रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से इनके जो ड्रिंक्स वगैरह है वो यहाँ पे काफी अच्छे हैं, और मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है तो बने रहिए। अगर मार्केट बाई चांस नेगेटिव वे में ले लेता है, अराउंड 10 से 15% अगर बाई चांस यहाँ पे स्टॉक गिरता है, तो वहाँ पर डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी मैं इसे मानूंगा, ना कि इसे मैं एक ट्रैप मानूंगा। तो पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे देखना चाहिए। बाकी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से टोटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बैड नंबर्स है तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा रह सकता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक ये एक नॉर्मल सी नहीं आ जाती है स्टॉक प्राइस में, तब तक मेरे ख्याल से अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि ग्लोबल स्पिरिट के जो क्वार्टर वन के नंबर्स है वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।